Yes, students, today we will start our book work of lesson number 2. The first question is our opposite words. You understand now what are the opposite words? Opposite means ulta. What's the word different in meaning? Just in opposite. Yes, first one is shout. Shout means bahut zor se chilla ke bolna hota hai. Then the opposite of shout is whisper. WHISPER, whisper. WHISPER, whisper. The second is later. Later means der se. Sooner. SOONER, sooner. Write karte jaiye aap saath saath. Okay, write down. The opposite of later is sooner. SOONER, sooner. Okay, then the next is undecided. Undecided, जिसका कुछ फैसला नहीं हुआ हो, जो डिसाइड नहीं किया गया अभी, तो उसका ऑपोजिट है डिसाइडेड. DECIDED, डिसाइडेड. नंबर 4 इज प्लेजेंट. PLEASANT, प्लेजेंट मीन्स खुशनुमा. और इसका ऑपोजिट रहेगा अनप्लेजेंट. UNPLEASANT, अनप्लेजेंट. UNPLEASANT, अनप्लेजेंट. ओके, झूठ. LIE, लाई मीन्स झूठ. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स. You will have to read these words and then match these words with these pictures. Do you know what's wagon? Where is wagon in this picture? Match it with that. Slingshot, woods, shower and wave. Okay, very easy na? Then our next question is, choose the correct answer. सारा वर्क ये बहुत इजी है, बट उनके लिए जिन्होंने लेसन को ध्यान से रीड किया है और जो मैंने टीच किया था उसको ध्यान से सुना है, तब आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप फटाफट से आ जाएंगे. तो जिन्होंने भी अभी तक लेसन ध्यान से नहीं सुना है, वो फिर से वो वाली वीडियो देखो, अच्छे से उसको सुनो, फिर इसको करना, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा ये सारा कुछ अपने आप करने में. मैं इसमें आपको टिक नहीं करके दूंगी और ना ही राइट करवाऊंगी, आपको अपने आप से समझ के ये चैप्टर करना है. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन. चूज द करेक्ट आंसर. आपका ये क्वेश्चन है और इसके नीचे ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B and C. तो यू विल फाइंड द राइट वन. ओके, इट वॉज अ डैश ड्राइव इन टू द कंट्री. कैन यू रिकॉल, दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ योर चैप्टर. कितनी दूर था वो जगह कंट्री से? वॉज इट 20 माइल, 30 माइल और 50 माइल? चेक इट आउट एंड देन टेक द करेक्ट आंसर. सेकेंड नंबर, ग्रैंडपा टुक जॉनी एंड सैली आउट इन टू द. कहाँ लेकर गए थे ग्रैंडपा जॉनी और सैली को? Correct answer. The next is, he gave Johnny a toy, bicycle or slingshot. क्या दिया था? Toy, bicycle or slingshot. Yes, tick the right one. Come to the next. The moment he saw the duck, he got a dash thought. जैसे ही उसने डक को देखा तो उसके मन में क्या आया, कैसा थॉट आया? क्रूअल थॉट, वाइल्ड थॉट और डेंजरस थॉट. क्रूअल थॉट, वाइल्ड थॉट और डेंजरस थॉट. फाइंड आउट दिस लाइन इन द लेसन एंड देन टिक द करेक्ट वन. नंबर 5 इज, ही टुक द डेड डक एंड हाइड इट इन अ पाइल ऑफ डैश. डेड डक को, डेड हो गई थी ना डक, जॉनी ने क्या किया था, स्लिंग शॉट पे उस पर एम किया था,
उसके पत्थर लगा जोर से, तो क्या हो गया था डक को, ही वॉज डेड। तो डेड हो गई थी, तो उसको उसने किस में छुपा दिया, वुड में, प्लास्टिक में और लीव्स में। किस में छुपाया? यस, वुड, प्लास्टिक और लीव्स। टेक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मिसिंग लेटर्स। ओके, ये सभी वर्ड्स आपके लेसन में से ही हैं, इसमें से कुछ कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। ये वर्ड्स सारे आपके लेसन में से हैं, जिसमें से कुछ कुछ इन्होंने मिस कर दिए हैं। ऑफ ऑल दीज वर्ड्स यू विल राइट डाउन, द फर्स्ट वन इज कंट्री, द फर्स्ट वन इज कंट्री, CONTRY, कंट्री। नंबर टू वैगन, WAGON, वैगन। ओके, नंबर थ्री इज स्क्रीचिंग, SCREECHING, स्क्रीचिंग। पढ़ा था ना आपने ये वर्ड, स्क्रीचिंग। देन वेविंग, WAVING, वेविंग, WAVING, वेविंग। देन नंबर फाइव इज हग्ड, HUGGED, हग्ड, HUGGED, हग्ड। यस। देन नंबर सिक्स इज, नंबर सिक्स एंड नंबर सेवन आप खुद करेंगे, आई विल नॉट टेल यू द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, नंबर सेवन इज प्रैक्टाइज्ड, PRACTISED, समझ गए आप लोग कैसे करना है इनको, PRACTISED। जो भी नहीं मिल रहा तो आप उन वर्ड को अपने लेसन में फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देन नंबर नाइन इज डिस्करेज्ड, DISCOURAGED, डिस्करेज्ड। ओके, देन लास्ट वन आप अपने आप करेंगे। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट डज इट मीन। जो ग्रीन कलर में लाइन लिखी, इनका क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इन दोनों में से जो सही मीनिंग है इस लाइन का उस पर आपको टिक करना है। ओके, द ओल्ड स्टेशन वैगन केम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट इन ग्रैंडपास फार्म, द ओल्ड स्टेशन वैगन केम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट इन द ग्रैंडपास फार्म। इस लाइन का मतलब क्या है, क्या ये है, द ओल्ड स्टेशन वैगन स्टॉप्ड एट ग्रैंडपास फार्म मेकिंग एन अनप्लेजेंट साउंड। जो वो स्टेशन वैगन थी वो ग्रैंडपा के फार्म हाउस में आके रुकी, एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ करती हुई। क्या इस लाइन का मतलब ये है, या फिर द ओल्ड स्टेशन वैगन केम टू ग्रैंडपास फार्म एंड शाउटेड लाउडली। वो ओल्ड स्टेशन वैगन ग्रैंडपा के फार्म में रुकी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन सी लाइन इसमें से सही है उस पर आपको टिक करना है। ओके, देन द सेकंड वन इज इट्स नॉट इजी टू यूज अ स्लिंग शॉट बट यू मस्ट नॉट गिव अप। इट्स नॉट इजी टू यूज अ स्लिंग शॉट बट यू मस्ट नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप करना होता है प्रैक्टिस करना छोड़ देना। ओके, तो इन दोनों में से कौन सा इस लाइन का मतलब है, यूजिंग अ स्लिंग शॉट इज नॉट दैट ईजी बट वी शुड नॉट गिव अप। स्लिंग शॉट को यूज़ करना ईजी नहीं है पर हमें प्रैक्टिस करना बंद नहीं करना चाहिए। ओके, या फिर यूजिंग हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसका मतलब, दोनों में से आपको सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है।
Yes, the next is, I must try my luck on this duck. Johnny muttered to himself. Muttered means होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे से अपने आप से बात करना. ओके, तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मीनिंग है इस लाइन का, ग्रीन कलर वाली लाइन का मीनिंग इन दोनों में से कौन सा है. जॉनी स्पोक टू हिमसेल्फ इन अ लो वॉइस सेइंग दैट ही शुड ट्राई हिज लक ऑन द डक. जॉनी ने अपने आप को धीरे से आवाज़ में बोला कि मुझे अपनी लक को इस डक पे आजमाना चाहिए. बी ऑप्शन इज जॉनीज लक वॉज वेरी बैड. जॉनी का लक बहुत बुरा था. दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक करिए. नंबर 4, जॉनी डिड बोथ हिज चोर्स एंड सैलीज. चोर्स होता है घर के काम. जॉनी डिड बोथ, बोथ मीन्स दोनों के. जॉनी ने दोनों के काम करे, सैली के और खुद के. अब इसका मीनिंग बताइए इन दोनों में से. जॉनी डिड अ कोर्स, जॉनी ने एक कोर्स किया. जॉनी डिड हिज वर्क एज वेल एज सैलीज, जॉनी ने अपना और सैली का दोनों का काम किया. दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक करिए. बिकॉज आई लव यू आई फॉरगिव यू. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. आई लव यू आई फॉरगिव यू, फॉरगिव मतलब लव. जॉनी शी फॉरगिव हिम, क्योंकि ग्रैंडमा जॉनी को प्यार करती थी, उसने उसको माफ कर दिया. ग्रैंडमा डिडंट लव जॉनी, शी डिडंट फॉरगिव हिम. ग्रैंडमा जॉनी को प्यार नहीं करती थी, उसने जॉनी को माफ नहीं किया. दोनों में से जो ऑप्शन ओके है उस पर आप टिक करिए. ओके, देन वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स. यस, ट्रू एंड फॉल्स. जो भी सेंटेंस सही है उसके आगे आपको टिक करना है, और जो भी फॉल्स है उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है. ये सारी लाइंस आपके लेसन में से हैं. अपन ने सारा लेसन बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, तो इन लाइंस को पढ़ के आपको सिर्फ इसके आगे टिक या क्रॉस लगाना है. ओके, समझ गए ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. देन कम टू द नेक्स्ट वन. यस, दिस इज हु सेड व्हाट, मैच देम. ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है. आपको ये देखना है कि ये वाली लाइन इन चारों में से किसने बोली थी. द फर्स्ट लाइन इज हाउ आर यू स्वीट हार्ट्स, आई एम सो हैप्पी टू सी यू टू. कौन बोला था ये लाइन? जॉनी, सैली, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, किसने बोली थी ये लाइन? उसके आगे आपको मैचिंग करना है. ओके, रिमेंबर द डक. कौन बार बार ये लाइन बोलता था? रिमेंबर द डक. यस, उसके साथ मैच करिए. ग्रैंडमा, आई किल्ड योर डक एंड हाइड इट इन द पाइल ऑफ वुड, आई एम सॉरी, विल यू फॉरगिव मी. किसने सॉरी बोला था ग्रैंडमा को? अपनी गिल्ट को, और उसके लिए सॉरी फील कर रहा है. यस, मैच करिए उसके साथ. यू मस्ट एम बिफोर यू लेट द स्टोन गो आउट. तुम्हें स्टोन को छोड़ने से पहले निशाना लगाना होगा. इट्स नॉट ईजी टू यूज़ अ स्लिंग शॉट. स्लिंग शॉट को यूज़ करना ईजी नहीं है. बट यू मस्ट नॉट गिव अप, पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी. यस, ये लाइन्स किसने बोली थी? किसने समझाया था जॉनी को स्लिंग शॉट देते हुए कि उसको कैसे यूज़ करना है? उसके साथ मैच करिए. ग्रैंडमा, जॉनी टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प इन द किचन. ये लाइन किसने बोली थी कि ग्रैंडमा, जॉनी चाहता है कि वो आपकी हेल्प करे किचन में? उसके साथ इसको मैच करिए. ओके, सो दिस इज़ आर टुडेज़ वर्क. गुड बाय.